हेलो दोस्तों, प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे VBM। ठीक है, तो ये डेवलपर टैब दिख रहा है आपको, ये डेवलपर टैब इनेबल रहेगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास में 2007 या उससे पहले के है तो आप देख लीजिए कि उसमें डेवलपर टैब कैसे इनेबल होता है। तो एक ऑफिस बटन रहेगा यहाँ पे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल ऑप्शन में जाना है, पॉपुलर टैब्स में जाना है, फिर शो डेवलपर टैब पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, आपको डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। आप 2010, 13 या 16 में हैं तो ये जो रिबन है इसमें कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आएगा, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डी में नीचे में डेवलपर, इस पर क्लिक कर देंगे तो डेवलपर टैब आपके इसमें इनेबल हो जाएगा। डेवलपर टैब इनेबल हो जाने के बाद में आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स आप में कोई कोड लिखा रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन दबा देता हूँ। तो पहले मैं एक्टिव शीट में चले जाता हूँ ताकि मुझे एक स्टेप और कम करना पड़े, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ। ठीक है, तो ये पूछेगा मैक्रो नेम, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं फॉर्मेट। ठीक है, सेल्स। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे पूछता है शॉर्टकट की। अगर आपको रन करना है तो शॉर्टकट की आप लिख सकते हैं, कंट्रोल जे जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे दिस वर्कबुक, जो मैक्रो वाली वर्कबुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिस वर्कबुक बोलते हैं। तो दिस वर्कबुक यानी ये वाली वर्कबुक में आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, पर्सनल, न्यू मैक्रो वर्कबुक और दिस वर्कबुक। तो जो मैक्रो है हमको इस वर्कबुक में रिकॉर्ड करना है। तो अभी जो डिस्क्रिप्शन है तो हम लोग इस डिस्क्रिप्शन में डालते हैं फॉर्मेटिंग द कंटेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यानी ये आपको जब मैक्रो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड होने के बाद में वो कमेंट में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अभी पहले हम इसको कर ले मीन्स इसका वेट बढ़ा लेते हैं। वेट बढ़ाने के लिए हमने इसको ड्रैग कर लिया, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। सेल जो फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ ना मैं 16 कर देता हूँ, ये बाकी के जो फॉन्ट का साइज़ है इसको 14 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसको फिर से वेट कर देंगे, अभी इसको भी थोड़ा सा वेट एडजस्ट करेंगे, इसको राइट साइड में लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डेट जो नंबर्स होते हैं वो राइट में आते हैं। ये देखो मैं लिख के बता रहा हूँ 111, मैं जैसे ही लिखूँगा ये राइट में चला जाएगा। तो नंबर मोस्टली राइट में चले जाते हैं, और टेक्स्ट लिखूँगा तो ये लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो राइट में डाल देते हैं ईयर को। अभी इसमें हम ये वाला, मुझे कलर फॉर्मेटिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, और ये वाइट कलर कर लिया इसको। इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे मो बॉर्डर। ठीक है, इसको वैसे तो आप नॉर्मल BAltHBA ये दबाएंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा, ब्लैक कलर में नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो जाएगा उसका। ठीक है, अभी इसमें हम लोग फिर से मो बॉर्डर में जाएंगे, इसको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये अच्छा नहीं दिख रहा है उतना, इसलिए ग्रिड को गायब कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया। भूलिएगा मत, रिकॉर्डिंग चालू रखिए, तो स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग को। अभी यहाँ पे विजुअल बेसिक विंडो में जाएंगे। देखिए यहाँ पे Alt F11 दबा के भी आप विजुअल बेसिक विंडो में जा सकते हैं। जैसे मैं विजुअल बेसिक विंडो में जाऊंगा तो ये मॉड्यूल आ गया। ये मॉड्यूल आपको राइट साइड में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए रन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरह से जो अरेंज किया हुआ है आपको सब यहाँ पे दिख सके एक साथ,
ये विंडो में छोटा है तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका तैयार हो गया। तो इसमें बहुत सारे अनवांटेड कोड रहते हैं जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, वो भी इसमें डाल देते हैं। तो अभी आपको ये जो शीट है इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करेंगे किस में सेव करेंगे, देखो इसमें पूछ रहा है सेव करने के लिए आपको, तो कंटिन्यू सेविंग विद द माइक्रोफी, तो नो आपको सेव करना है तो डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं जो मैक्रो इनेबल वर्कबुक है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका नाम दे देंगे जो भी है, मैंने अभी लुकअप नाम दिया हुआ है, आप कोई भी नाम दे देंगे तो आ गया, ये उसके नाम से सेव हो गया। अब हम विजुअल बेसिक विंडो में जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है तो आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं इसको। अभी जैसे ये वाला कंटेंट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक नई शीट में, ठीक है। आप स्विच करके विजुअल बेसिक यहाँ पे डेवलपर में आएंगे तो आप विजुअल बेसिक विंडो को ला सकते हैं फिर से, या तो आप फिर से टैब वाला बटन दबा के भी ला सकते हैं। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था ये आपको आ गया इसमें, फॉर्मेटिंग द कंटेंट में, ठीक। स्टेप बाई स्टेप करना है तो आप इस विंडो में F8 बटन दबाएंगे, या आप देखेंगे स्टेप इन्फो तो F8 करके आप एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली रन करना है तो यहाँ पे जो रन का बटन है, या F5 दबाएंगे तो आपका डायरेक्टली रन हो जाएगा। अभी इस चीज़ में देखना है कि एक्टिव सीट जो भी रहेगी उसमें ये रन हो जाएगा, तो देखिए ये पूरा रन हो गया इस टाइप से। तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आपने रिकॉर्ड करके पेस्ट कर लिया तो वो कई बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्टेप इन्फो दिखाता हूँ इसमें आपको। ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है ये बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, इसमें आज रिकॉर्डिंग का फीचर तो बहुत ही शानदार है। देखिए इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है इसमें, पर जो जो आपको मैं इसमें बाद में एडिट करना भी बताऊंगा कि इसमें एडिट कैसे करते हैं। ये देखो मैंने बाद में लिख दिया था वो वाली चीज़, जो अनवांटेड स्टेप्स है वो भी उसमें आ गई, जो कि ज़रूरत नहीं थी, जो भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई थी। तो देखिए दोस्तों, एक एक आप एग्जिट मार सकते हैं यहाँ पे, आप पॉज करके नेक्स्ट वीडियो में भी स्विच कर सकते हैं। हो गया, बस डिस्प्ले अलर्ट ग्रिड लाइन, अभी ग्रिड लाइन गायब हो जाएगी यहाँ से, ऑफ डन। देखो इतना फॉर्मेट करने के लिए आपको कितना स्टेप करना पड़ता था, लेकिन आपने एक बार स्टेप करके रख ली। मैक्रो यानी दोस्तों, आपको स्टेप वाइज पता है तो इससे बेस्ट टूल नहीं है। थैंक यू।